अंडमंडा ने इसलिए कहा था क्योंकि खाना सर बनना चाहिए तो बन रहा है वो। आज चना का सब्जी और चावल बना था लेकिन बना था यहाँ पुलाव का सब्जी है वो, यह सब बना था। ये क्या खाना आया, क्या खाना है, क्या जो नीमत अलवा रहा है वही खा लेंगे। क्या हर बार ऐसा होता है क्या? हर बार इस शुक्रवार को सिर्फ हुआ था और आज हुआ है बस। पहले कैसा होता था? पहले होता था कि चना पुलाव या पुलाव और चना का सब्जी जो सलाद और क्या कहता है अंडा जो अंडा खाता उसको अंडा उससे खाता है उससे भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ है ना कारखाना ऐसा खाना दिया गया है। क्वालिटी कुछ नहीं, हमको खाना पसंद नहीं आता ऐसे। वहाँ पे जो यही सब बात बोले या बाकी सर बोले यार ठीक है प्रिंसिपल को बुलाते हैं, फिर यहाँ आए तो सुनी कौन वो भी यही बोले ठीक है जो आया स्कूल जाता आ गए स्कूल। हम लोग क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया भारती। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। खाना के बारे में क्या है खाना? आज का खाना आज बना था चना का सब्जी और चावल। क्या बनना चाहिए था? चना का सब्जी, पुलाव, अंडा या फल और सलाद। नहीं बना था ये सब? नहीं। कितने दिन से ये सब ऐसा हो रहा? 10 सप्ताह। क्या बोल रहा है प्रिंसिपल यहाँ का? क्या बोल रहा है? उनको बोले थे खाना पसंद है तुम लोगों को? नहीं। क्या चाहती हो? यही चाहते हैं खाना सही से बने, जो रूटीन है खाना का। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास। क्या सर ये हमारे संज्ञान में बात आई है कि नियम के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने बीओ से बात किया था शायद पुलाव का मेनू था लेकिन वो चावल दिया जा रहा है, तो मेरे अधिष्ठान में भी आया, कुछ बच्चे भी आए हुए थे मेरे पास। इस संबंध में प्रधानाध्यापक से बात की गई, प्रधानाध्यापक को बुलाया गया, प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि पिछले बार ये लोग पुलाव नहीं खाना चाहते थे लेकिन ये नियम के विरुद्ध है क्योंकि जो मेनू है मेनू के अनुसार ही बच्चों को मिड डे मील में खाना देना है पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे बिना परमिशन के या प्रधानाध्यापक के रहते हुए स्कूल का कैंपस से बाहर आए हैं, इसके लिए प्रधानाध्यापक ही दोषी है, इसलिए उन्हें ही बच्चों को अपने स्कूल परिसर में सुरक्षित रखना उनकी जवाबदेही है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानाध्यापक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जो मिड डे मील के प्रभारी पदाधिकारी हैं प्रखंड के, तीनों से सोपर्स किया जा रहा है और तीनों का एक एक दिन का वेतन बंद करने की हमारी तरफ से अनुशंसा की जा रही है जो स्थापना को जब तक इनका सुपर स्वीकृत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त डीओ से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से भी हमारे तरफ से प्रचार और इस तरह की स्थिति है, वो निश्चित रूप से हम लोग का भी इंस्पेक्शन होता है बुधवार बृहस्पतिवार को इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन देते दिन इस तरह की कोई एक्टिविटीज पूरे फील्ड में नजर आती है लेकिन आज शुक्रवार को भी इंस्पेक्शन नहीं था, स्टेट को इस तरह की बात सामने आ रही है इसका मतलब नहीं और गहन इंस्पेक्शन की जरूरत है ताकि स्थितियों में पूरी तरह सुधार।